प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपना जो संधि का जो टॉपिक था वो ही आगे अब चल रहा है, जिसमें संधि के पहले भेद बताए गए थे कि मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला भेद है स्वर संधि। प्रिय विद्यार्थियों, स्वर संधि के बारे में ये समझें कि स्वर संधि कहते किसको हैं। आप समझो कि नाम ही स्वर संधि है। स्वर का मतलब है कि जो तेरह स्वर हैं वो ही इस संधि में काम आते हैं। तेरह स्वर जो हैं उन स्वरों की जगह स्वर वर्ण ही काम आते हैं। इसकी परिभाषा दे रखी है कि यदा द्वयो स्वर वर्णयोः, जब दो स्वर वर्णों का परस्परम आपस में मेलनम मेल व संबंधम या संबंध भवति यानी होता है, सह स्वर संधि कथ्यते, वह स्वर संधि कहलाती है। प्रिय विद्यार्थी समझो कि दो स्वर वर्णों का आपस में मेल या संबंध होता है वह स्वर संधि कहलाती है। मुख्य रूप से स्वर संधि के सात भेद होते हैं। जो निम्न है, नंबर एक है कै यण संधि, इसका सूत्र है इको यणची। स्वर संधि का पहला भेद यण संधि, जिसका सूत्र है इको यणची। खै है आयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो आये वायाव, ये सूत्र है इसका। तीसरा है गय, है वो है गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण है। चौथा है घय, है ये है वृद्धि संधि। जिसका सूत्र है वृद्धि रेची। पांचवा है अनेखाली, जिसका है दीर्घ संधि। जिसका सूत्र है अकह, स्वर्णे दीर्घ है। पांचवा है दीर्घ संधि। छठा, जो स्वर संधि का भेद है वो है पूर्व रूप संधि। छठा जो पूर्व रूप संधि है इसका सूत्र है एंग, पैदांतति, पैदांत आदति, ये सूत्र है इसका। और सातवां जो इसका भेद है वो है पररूप संधि। पररूप संधि का जो सूत्र है वो अंगी पररूपम, प्रिय विद्यार्थियों कक्षा ट्वेल्थ वाले संधि के नाम के साथ साथ सूत्र भी याद जरूर कर लें, क्योंकि संधि लिखने के साथ साथ सूत्र वो लिखवाएगा, सूत्र के आधार पर संधि की पहचान करवाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो संधि के नाम की जगह आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है कक्षा ट्वेल्थ वाले आर्ट वाले बच्चों को। अब इसको आप समझें दोबारा से कि स्वर संधि जो है इसकी परिभाषा क्या है, कि जब दो स्वर वर्णों का आपस में मेल
या संबंध होता है वह स्वर संधि कहलाती है। यदा द्यो स्वर वर्णियो परस्पर मेलनम संबंधम व भवति स स्वर संधि कथ्यते, वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि में विद्यार्थियों 13 स्वर काम आते हैं, 13 स्वर वर्ण हैं, उनकी जगह वही स्वर वर्ण काम आते हैं, चाहे उसमें पांचवा स्वर आए, चाहे छठा आए, चाहे पहला आए, चाहे दूसरा आए, वो उसी में उल्टे सीधे आते हैं। मुख्य रूप से स्वर संधि के 7 भेद होते हैं जो निम्न हैं। पहला यण संधि, जिसका सूत्र है इको यण, यानी इक प्रत्याहार है उसके ऊपर, उसकी जगह यण प्रत्याहार होगा। दूसरा है अयादि संधि, एचो अयवायाव, यानी एज प्रत्याहार है ए ओ आई औ, उस वर्णों की जगह आई अव आ आव, ये वर्ण हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। तीसरा है गय गुण संधि, आद गुण है यानी आदि का गुण होता है। घय वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि। अणे दीर्घ संधि, अकय स्वर्णे दीर्घ है। छह पर रूप संधि, एंग पदांत आदति, ये सूत्र है। और छह है पर रूप संधि, इसका एंगी पर रूपम, ये सूत्र हैं। ये सूत्र आपको जरूर याद करने हैं, विशेषकर 12th और 11th वाले छात्रों को इनको विशेष मतलब याद करना है। संधि के साथ साथ सूत्र जरूर भी याद करने हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी बताई जाएगी। धन्यवाद।